हेलो दोस्तों, होप यू आर गुड। तो बहुत बढ़िया। तो एक नए क्वेश्चन के साथ हम तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक। इंसर्ट फाइव नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। 8 और 26 के बीच में फाइव नंबर्स ऐसे इंसर्ट करना कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एक एपी बनाए। तो ये क्वेश्चन अदरवाइज भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है कि अरिथमेटिक मीन्स कैसे इंसर्ट करते हैं। तो 8 और 26 के बीच में पांच नंबर्स। तो पहला नंबर A1, दूसरा नंबर A2, तीसरा नंबर A3, A4, A5 ये इंसर्ट कर दिए हमने। तो जैसे ये इंसर्ट हो जाते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस बिकम्स एन एपी। ये एक एपी बन जाती है। और एपी में ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये फर्स्ट टर्म है। और नंबर ऑफ टर्म्स आप गिन लें, नंबर ऑफ टर्म्स आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया आपका एन। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसकी, सेवन। ये क्या चीज़ है आपकी, ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म क्या फॉर्मूला अपने पास, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट फर्स्ट का फॉर्मूला लगा दिया। लास्ट टर्म है 27 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 माइनस व्हाट, 1 इंटू डी। 27 माइनस 8 क्या होगा, 27 माइनस 8 इज इक्वल टू 6d। 27 में से 8 माइनस कर दिया हमने, सॉरी 26 है, एक्सट्रीमली सॉरी 26 है, 26 में से 8 माइनस कर दिया तो 18 आ गया। 18 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 18 इज इक्वल टू 6d। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 3। d की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। अब A1 क्या चीज़ है, फर्स्ट टर्म कौन है, 8 है। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म कौन है आप ध्यान से देख लें, फर्स्ट टर्म इसमें A क्या है आपकी, 8 है। A1 क्या होगा, A1 इसका सेकेंड टर्म होगा। मीन अरिथमेटिक मीन पहला है, जो नंबर है जो इंसर्ट किया जिससे ये AP बनती है, दीज आर कॉल्ड अरिथमेटिक मीन्स। A1 से A5 तक अरिथमेटिक मीन्स भी कहलाते हैं। ऐसा भी कह सकते थे इंसर्ट फाइव नंबर्स की जगह इंसर्ट फाइव अरिथमेटिक मीन्स भी हो सकता था। आप एग्जांपल देखेंगे एनसीईआरटी का तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है 16th क्वेश्चन इसी टाइप का, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको और क्लियर होगा। तो ये जो फाइव नंबर्स हैं ये दीज आर कॉल्ड अरिथमेटिक मीन्स। तो जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है तो वो टर्म सेकेंड है, तो इसकी वैल्यू होगी ए प्लस डी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, A1 को वो ए समझ लेते हैं, A2 को क्या बोलते हैं वो, ए प्लस डी। ए प्लस डी नहीं होगा, वो होगा ए प्लस 2d। A3 क्या होगा आपका, ए प्लस 3d। A4 होगा ए प्लस 4d। और A5 हो जाएगा आपका ए प्लस 5d। अब आपको कोई खास काम नहीं करना, केवल वैल्यू रखते जाना और कैलकुलेट करते जाना। तो ए की वैल्यू आप देख लें, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 है, और डी की वैल्यू 3 है। तो ये 8 प्लस 3 आपका हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 3, 8 प्लस 2 इंटू 3 14। अगला क्या हो जाएगा आपके पास, 8 प्लस 3 इंटू 3 17। फिर आपके पास हो जाएगा ए प्लस 4d की वैल्यू रखेंगे तो वैसे भी आप समझ रहे होंगे, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 3 ऐड करेंगे 14, फिर 3 ऐड करेंगे 17, यहाँ रखेंगे तो 20, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 23 आ जाएगा। आप रख के भी चेक कर सकते हैं, 8 प्लस 5 इंटू डी 13, 8 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 3 15, मैं 13 बोल गया था, तो 8 प्लस 15 इज इक्वल टू 23। तो ये था दोस्तों इनके बीच जो पांच नंबर्स थे, जो पांच अरिथमेटिक मीन्स थे उनकी वैल्यूज़। तो इस तरीके से आपको निकालना है।
पहले वैल्यूज ऐसी इंसर्ट करना कि सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस बिकम्स एन एपी। तो ये था इसका आंसर, काफ़ी कम समय में हमने इसे कर लिया, लगभग 5 मिनट लगे दोस्तों। और आप क्या समझे कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट।